हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये व्लॉग बड़ा ही स्पेशल है बिकॉज ये इस व्लॉग में हमने बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ें करी हैं। ये स्पेशली हम गैजेट्स देखने गए थे गिफ्ट देने के लिए बिकॉज आज फादर साहब का बर्थडे था, और एक एक्साइटिंग सा गिफ्ट सेलेक्ट करने के बाद हम चले गए केक शॉर्टलिस्ट करने के लिए। मगर उसके साथ साथ हमने एक चीज़ और ट्राई करी, वो था किंडर जॉय, और इसमें से बहुत एक्साइटिंग सा गिफ्ट भी निकला। और डिनर का प्लान बना स्पेशल प्लेस, स्पेशल ओकेजन, गरम धर्म पर। बहुत सारे एक्साइटिंग मोमेंट्स थे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया था ये वाला, जब आइसक्रीम वाली फाइट हो गई। फादर साहब ने कहा तो रहने दे यार, आइसक्रीम मेरे को खानी नहीं है, बट फिर उनको समझ में आया कि थोड़ा सा मजाक चल रहा है उनके साथ, बिकॉज इसको मैंने पहले नोटिफाई कर दिया था कि आज बर्थडे है, थोड़ा स्पेशल ट्रीट होना चाहिए। और 12 बजते ही हम केक लेके गए और साथ में गिफ्ट लेके गए, और पापा जी का रिएक्शन चलो भाई हैप्पी बर्थडे। को थैंक यू बोलना होता है। ये तो कुछ और ही चीज है। ओहो, 12 बजे सॉरी बार बार उठ क्यों जा रहे हो आप? इसमें बैठ के नहीं खुलता। देखो आईफोन ले बच्चे हैं। ठीक है, थैंक यू। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन हम लोग निकल पड़े चौकी धानी। और ये लोग अभी अभी गाड़ी में से आए हैं, बट फिर भी इन लोगों को इस झूले पे झूलने में अलग ही क्रेज मिला। और ये झूला जो सांप की शेप में, बत्तख के रूप में बनता हुआ चल रहा है, गोल गोल चक्कर काट रहा है। आई डोंट नो क्या इसमें मज़ा था, बिकॉज इतनी लंबी ड्राइव करने के बाद तो वैसे ही लोगों का मन नहीं होता इसमें बैठने का, बट ये लोग कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड हैं। और ये सारे गेम खेल कूद के बाद हमारी एंट्री हुई चौकी धानी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी बिकॉज हम लोगों का स्वागत किया गया था भारत के ट्रेडिशनल तरीके से, जो है तिलक से स्वागत करना। बहुत अच्छा फील आया इस वेलकम के साथ। यूजुअली आपको हर जगह नहीं मिलेगा, बट यस, कुछ स्पेशल प्लेस जैसे चौकी धानी हो गया, आपको वहाँ पर ऐसा वेलकम ज़रूर मिलेगा। तो चौकी धानी में हम सबसे पहले गए भूल भुलैया के अंदर, और इसमें जो मजा आया वो अल्टीमेट था। रुको रुको, साथ साथ चलेंगे। तो देखो ये सारे गुम होने वाले अंदर जाके। चलो 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 चलो। अरे इधर से होगा रास्ता। उधर से गए हैं सब। वो उधर से गए हैं ना, हमारे प्लेयर गुम हो गए। निकल गए क्या बाहर? निकल गए ना ना। ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे। अरे इधर से बाहर, इधर से बाहर। हां पानी के इधर से आ जाओ। पानी बाहर कोई नहीं, कोई नहीं। फिर भाग
प्रदीप का है पकड़ लिया बंद हो गया बंद बंद था वहां पे वहां बंद था आ जाओ भाई इसका चलो और गाइज ये सारी मौज मस्ती करने के बाद एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस भी था। ये हवाई घाट तो थी मगर इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक प्लेस था, वो प्लेस था हमारा हॉन्टेड हाउस। और इस हॉन्टेड हाउस में अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो आपको पुराने ज़माने की याद दिलाएगा कि वहाँ कैसे भूत हुआ करते थे पहले। बढ़िया बनी हुई है इतना क्यूट भूत है ये कौन बैठा ऊपर ये कौन है, इसको भी जीप चिढ़ा दो। आराम से भाई आराम से, चलो गंदे हो जाएंगे कपड़े। अबे ठीक है, दो के गंदे हो गए, एक के और सही। गिरना नहीं है बस, कहीं दोनों लिपटते हुए आओ। सो ये है यारो वो मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट जो हमने ट्रैक्टर पे बर्थडे विश किया था। तो ये ट्रैक्टर वाली राइड के बाद हम आए इसमें, जय हो भोले शंकर की। आप समझ गए होंगे ये थी हमारी बैल वाली राइड। और क्या अमेजिंग फीलिंग थी भाई, क्या अमेजिंग माहौल था, बिल्कुल शोले वाला फील आ गया था इसमें। बट हाँ, तांगा नहीं था क्योंकि वो धन्नो थी, यहाँ पे मिस्टर धनराज हैं भाई। गोलू को भी आन दो। अरे भाई सारे नहीं बैठे थे। आराम से क्या नाम रखे भैया से पूछो, मैंने क्या नाम रखा है। क्या नाम है गोडा फ्राई हो जाता, बच गया। आप ब्लॉग बना रहे हो? हाँ। एक बैठी है गाय। सो गाइज ये लोग जा रहे हैं अब जिप लाइनिंग करने, मैं तो जाऊंगा नहीं। आप लोगों को पता है कि मैं कितनी सेफ्टी का ध्यान रखता हूं। ये हेलमेट भी नहीं पहनाने वाले थे और भैया इनकी रस्सी भी मेरे को थोड़ी सी नकली लगी, तो हौसला मेरा नीचे ही टूट गया। और कुछ लोगों का हौसला ऊपर जाके भी टूटा था, वो भी आपको देखने को मिलेगा कौन थे वो लोग। सो स्टे ट्यून एंड सी कौन कौन जा पाएगा। लो भाई एक पहलवान गया। लटक रहे
डर लग रहा है तो रहने दो। अरे कुछ नहीं करना है। इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। नहीं करना फिर। तो छोड़ दो। बाद में। अच्छा चाचू के साथ आ जाओ, इधर पीछे आ जाओ। वही आराम से, कोई उत्तेजित नहीं होना प्रीति। मेरे को भी डर लगता है इसलिए अपन भी नहीं गए। मुझे क्यों डर लग रहा है? क्या डर लग रहा है? हैं? जय बजरंगबली। वो जाना दीवान जी। तो अब आप लोगों को ये तो पता ही लग गया कि कौन कौन जिप लाइनिंग पे गया, कौन कौन हिम्मत वाला था और कौन मेरी तरह समझदार था जो चुपचाप दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतर के आ गया था। उसके बाद बारी आई इस कैमल राइड की। हेलो हेलो, स्माइल प्लीज। ओए ये हो गया, हो गया। सो गाइज, ये है वो धुरंधर ड्रैगन राइड जो मोस्ट फेमस है बच्चों की चिल्लम चिल्ली के लिए, इनफैक्ट बड़ों की भी चिल्लम चिल्ली के लिए। एक बहुत अमेजिंग सा इसमें ऑडियो था, मैं वो सुना नहीं पाऊंगा आपको, जो हमारी दिव्यांशी इतनी जोर से चिल्लाई थी, भैया धीरे कर दो। और ये इतना अमेजिंग खुशी मिली मेरे को इन सब की चिल्लम चिल्ली देख के, मेरे तो पैसे वसूल हो गए ये लाइव टेलीकास्ट देख। और ये इसका सेकंड लेवल था जिसमें सब बड़े बूढ़े छोटे है ना, सब लोग मिक्स होकर बैठ गए थे। कुछ लोग बचे थे, जैसे कि आप भैया को देख रहे हो, भैया ने आंख बंद करी हुई है और भाना बताया कि पेट में गुदगुदी हो रही है। हालांकि ये तो सबको पता है, झूले पे गुदगुदी डरने को कहते हैं, बट होती है तो अब होती है। तो दोस्तों, सारी मौज मस्ती करने के बाद, झूले झूलने के बाद, फिर हमने करी थोड़ी सी शॉपिंग छोटे बच्चों के लिए। और ये शो तो हमेशा यादगार रहेगा, इतना बढ़िया डांस, इतना बढ़िया डांस। और जो सांप आया ना गोली की तरह गोलू के पास, ओ भैया मजा आ गया भाई, मजा आ गया। आ गया, पलट जाएगा वो पीछे, बोलो, आ गया, पलट जाएगा वो। भैया कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। चलो 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 चलो,
अरे वेट 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 वेट, अभी वेट ज्यादा अंदर, इधर आओ। अरे एक साथ मत जाओ सारे। हाँ मिक्की माउस रोने लग गया ऊपर देखा। पहले यही खाना होता था, चटनी, बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी नहीं होती थी, आता ही गेहूं नहीं होता था पहले। ये गुड़ को हाथ में पकड़ो, ये जब मुंह में डालोगे गुड़ थोड़ा सा तोड़ो, ठीक है, इसको खाओ और फिर थोड़ा सा बोलो।